एकदम सच टच का आया है इम्प्रेशन। तो आज हम लोग घर पे बनाएंगे काजू कतली, देखते हैं कैसे बनती है। हैप्पी दिवाली भाई। सच्ची में काजू कतली है एकदम परफेक्ट। घर में बनाया हुआ काजू कतली सिर्फ ऐसी बनी है हमारी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है 31 अक्टूबर यानी कि दिवाली। तो पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आई होप आप आपकी ये दिवाली बहुत एंजॉय करो, क्योंकि आज थी दिवाली पहाड़, इसलिए मैं बहुत सुबह उठ गई थी। एंड आपको पता है मैंने वो अभ्यंग स्नान भी कर लिया, जैसे उठना बिठना लगा के करते ना बहुत अच्छा लगता है वो करने के बाद। और आज मैंने कुछ अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी मुझे खाना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने सोचा पहले रेडी हो लेती हूँ, ब्लॉग चालू करती हूँ, फिर मैं खाऊंगी। और क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं फराड़ खाने वाली हूँ फाइनली। गाइज, आपको पता है साल में ऐसा एक ही दिन होता है जिस दिन मैं मेरा ब्रेकफास्ट, मतलब मेरे पार्लर जो बिस्किट स्किप करती हूँ, वो है दिवाली, जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट में फराड़ खाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ फराड़। है चिवड़ा, चकली, लाडू, शंकरपाळा, करंजी आणि चवडे हे सगळं आहे फराळ मध्ये। मनसी तुझे तू क्यों हस रही है? वो एक सेकंड के लिए करंजी पे आके रुक गए कि इसको बोलते क्या है घर के। मम्मी यार इतना सुंदर है ना फराळ, मला खूब आवडला, एवढा टेस्ट ही बचोर पण खूपच छान आहे, मला खूप आवडला। वेल डन। सो गाइज, मैं तो फराळ खा ही रही हूँ। वैसे मेरी मम्मी ने इनवाइट किया है शुभम को मेरे घर फराळ खाने के लिए, तो वो आता ही होगा ना, सुपर एक्साइटेड। तो घर में थोड़ा नीट करके रखा है, क्योंकि यार बॉयफ्रेंड जो आ रहे हैं उसका थोड़ा सा यू अच्छा लगना चाहिए। एंड उसे मुझे विश भी करना है आज जल्दी आ जाए बस। ओहो फाइनली आ गया, द वेट इज ओवर। ओ भाई वाह वाह वाह, दर्द कर रहा है यार। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है तू? इतनी सुंदर लग रही है, वाह। थैंक यू, मैं तुझे कॉम्प्लीमेंट देने वाली थी, कितना हैंडसम लग रहा है। वेट अ सेकंड, हेयर कट किया? हां, गर्लफ्रेंड के घर इनवाइट किया ना, तो हेयर कट वगैरह एकदम एकदम सच टच का आया है इंप्रेशन, यू नो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बोल हीरो, मम्मी हेयर कट वेयर कट करून आलाय, इनवाइट केले ना फराळासाठी, तैयार होने तो चक्कर पर मम्मी यार बस कर, कितनी मनस्वी मनस्वी सगी कड़े सीरियसली। देखो गाइस, इससे ही पता चलता है मम्मी के जुबान पर सिर्फ मनस्वी नाम होता है। मुझे भी मम्मी के साथ पूरे टाइम रहती हूं। व्हाटएवर। ओह ओहो, हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हां आणि सगळं हो हो सगळं तुझ्यासाठी। मानूला मानूला नाही देत नाही ग, हे काय इथे आहे ना, संपवलं पण त्यांनी काही खा, सगळं तुझ्यासाठी आहे, काहीही खा। पहिले गोड खाऊन सुरुवात कर। हा मिठा लाडू पहिले, गोड चार गोड आहे त्याच्यात, मस्त है, दोन तिखट है, लाडू मस्त है। सो गाइस, अभी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हर साल ना, देखो आज है दिवाली, और हर साल ना हम लोग बाहर से काजू कतली खरीद के घर पे लाते हैं, और दिवाली के दिन खाते हैं, क्योंकि मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद होगी। तो इस बार मैंने सोचा है क्यों ना इस बार घर पे काजू कतली बनाई जाए, क्या लगता है आपको? बनानी चाहिए यार, मेरे कब से मेरे दिल में था। तो आज हम लोग घर पे बनाएंगे काजू कतली, देखते हैं कैसे बनती है। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं सामान लेने काजू कतली बनाने के लिए, और आपको पता है लिटरली 3 इंग्रेडिएंट में काजू कतली बन जाती है, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा बहुत डिफिकल्ट होगी यार, एकदम इजी है, बहुत इजी रेसिपी है, आप भी देखना। सो काजू कतली के लिए जो चीजें चाहिए वो हमने ले लिया, अभी फटाफट घर पे जाते हैं काजू कतली बनाते हैं, जस्ट वेट फॉर इट। फाइनली हम लोग बिल्डिंग में पहुंच गए। गाइस, वो काजू कतली के ऊपर वो सिल्वर कलर का कुछ तो लगता है ना, वो हमें मिल ही नहीं रहा था, हम कब से ढूंढ रहे थे, और बहुत दुकानों के पास वो था ही, और जिनके पास था स्वीट्स वालों के पास, वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम सच में चांदी मांग रहे हैं उनसे, बट हमें बहुत ढूंढ ढूंढ के मिल गया फाइनली। सो गाइस, 2 घंटे के लिए ये काजू हमने भिगो के रखे थे, अब ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, इसका पानी निकाल कर हमें इसे पीसना है अभी मिक्सर में, तो चलो वही करते हैं। सो गाइस, ये है काजू की पेस्ट, और ये है शक्कर का पाउडर यानी कि पीटी साकर, तो इसे हमें इस पैन में डालना है और इसे मिक्स करना है, और हो गया तैयार काजू कतली इन प्रोसेस। एंड शुभम मेरी हेल्प कर रहा है, थैंक यू सो मच शुभम, यू आर सो क्यूट, वेलकम। सो गाइस, दिवाली के दिन हम लोग घर पे बना रहे हैं काजू कतली, काजू कतली। सो गाइस, हम लोग काजू कतली बना रहे हैं, लेकिन काजू कतली बनाते समय ये ध्यान रखना है इसमें लम्स जो रहते हैं ना वो फोड़ होने चाहिए, वो ऐसे ऐसे करके हमें मिटा देना है सारे लम्स को। सो
तो ये काजू का मिक्सचर हमने एक प्लेट में ले लिया है और इसे हमें इसकी पॉलिथिन के हेल्प से हम लोग ऐसे ऐसे प्लेन कर रहे हैं। एक्चुअली इसे हम बेला भी जा सकते हैं, बट हमें इतनी जोरों की भूख लगी ना, हमने सोचा ऐसे ही कर लेते, थोड़ा इजी काम। सो गाइस अभी हम लोग लगा रहे हैं इसके ऊपर काजू कतली की जो परत रहती है सिल्वर कलर की, सिल्वर थिंग, वो बहुत मस्त लगता है लगाने के बाद। एंड सो सैटिस्फाइंग, फाइनली ये बनके रेडी है। अभी इसे कट भी करना है, ऐसा लग रहा है अभी खा जाऊं, बट इसे हमें रखना पड़ेगा आधे घंटे के लिए। वो मम्मा कसा गेलाय मी लाइक खायचं मन करते ना बघूनच, बापरे मस्त झालं रे। मनसी कसं गेलंय? मनसी बघ काजू कतली बनाई आहे, बट यार अजून त्याला कट करायचंय, पण अर्धा तास ठेवायचा, आई जस्ट कॅन वेट टू ईट दॅट थिंग। कट करते मुलगी शिकली प्रगती, मानवी शिकली प्रगती झाली। सो गाइस जब तक हमारी काजू कतली फ्रीज हो रही है तब तक हम जाते जाके थोड़े से फटाके लगा कर आते, क्योंकि रहा नहीं जा रहा, इतने सारे आवाज सुने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम भी थोड़े से फटाके बजा के आते। फुलझड़ी ले ले, फुलझड़ी हाँ, दिस वन पाऊस, और आज थोड़े से उद्या खूब सारे, मैंने इतने फटाके फोड़ा हाँ येशील हाँ, मन से भी आ रही है। चलो सो गाइस मानवी पाउस लगा रही है पहला, मानवी इस दिवाली का ये लगे तो ना सुबह हो जाएगी, ये जल ही नहीं रहे। हैप्पी दिवाली, ये हैप्पी दिवाली, ट्रली वाह चल दिया, मैं इसको चली गई थी पीछे का, इधर लगने वाला था। थैंक गॉड, अच्छा क्या वो बड़ी वाली नहीं ली वो तो और ही टाइप है, अगले दिवाली तक जल जाती वो शायद। सो गाइस अभी हम लोग पटाखे फोड़ के घर पे आ गए हैं। शुभम हाँ, प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? ये देखना मैं कट करे जा रही हूँ इस काजू को, अब तो ये फ्रीज में हमें कब से रखा है हमने, मुझे ऐसे लग रहा है मानवी हमने एक घंटा रखा ना, एक डेढ़ घंटा हो गया है तो वीडियो में वो दिखा थे आधा घंटा, लेकिन एक दो तीन घंटा रखना ही पड़ता है। यार मुझे खाना है अभी, आई जस्ट कांट वेट, कभी क्या पूरा दिन रोकू काजू कतली खाने के लिए, मुझे खाना है। काय कर लागला था, चिपकती थी, चिपकते यार मम्मा का करू हो गए, उद्याच कट करा, मुझे पता है काजू कतली सेम लगने वाली है भाई, सच्ची में काजू कतली है, ओ शिट, आज काजू कतली ये सिर्फ शेप नहीं है उसका, ओ भाई कैसे है, मस्त बनी है यार, फटाफट कॉल मम्मा ट्राई काजू कतली तो है, एग्जैक्ट काजू कतली सिर्फ शेप नहीं आया, एकदम परफेक्ट परफेक्ट, पण ती शेप नाही घट्ट झालं तर शेप आलं, हा काय करू घट्ट वगैरे ठेवून देऊ, एक साइड का खा ले, मुझे नहीं लगता ये रहने वाला है कल तक, बट ठीक है। सो गाइस घर में बनाया हुआ काजू कतली सिर्फ ऐसी बनी है हमारी, बेस्ट बनी है, फिर भी शेप नहीं आया तो क्या हुआ, खाना तो खाना है, ऐसे पहली बार हो रहा है काजू कतली को हम लोग चम्मच से खा रहे हैं, ठीक है मस्त है, काजू हलवा इसी काजू कतली के नोट के ऊपर आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, आई होप यू गाइस लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, हैप्पी दिवाली, बाय।